नमस्कार गाइस, वेलकम टू द उपासना आईएएस एकेडमी। माय सेल्फ उपासना सरीन। गाइस, आज मैं करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करूंगी, क्योंकि कुछ बच्चों के रेगुलर बेस पे मैसेज आ रहे थे कि मैम दिल्ली पुलिस के करंट अफेयर का डिस्कशन कर दीजिएगा। तो गाइस, आज की जो ये वीडियो है ये डेडिकेटेड है करंट अफेयर स्पेशली फॉर द दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस के पेपर जो कि नवम्बर में होने वाला है, तो गाइस उसका जो करंट अफेयर है मोस्ट प्रोबेबली जो आएगा तो वो आपका एक साल का सवा साल का करंट अफेयर आएगा। और स्पेशली हमें दिल्ली पुलिस ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं ड्यूरिंग द कोरोना वायरस, एक तो वो करंट अफेयर सेक्शन में इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका जो जनरल करंट अफेयर होता है, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट या गवर्नमेंट पॉलिसी, तो ये दोनों तरीकों को हम लोग देखेंगे। और यही सेक्शन है जो कि करंट अफेयर के हमारे दिल्ली पुलिस के पेपर में आ सकता है। और अगर हम यूपीएसआई की बात करें तो वहां पे यूपी पुलिस से रिलेटेड कुछ स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। वही चीज अगर आप सीडीएस असिस्टेंट कमांडर का पेपर दे रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की पॉलिसीज के से रिलेटेड करंट अफेयर आ जाएगा। तो गाइस, जो आप पेपर दे रहे हैं उस पेपर से रिलेटेड करंट अफेयर आपके पेपर में पूछता है, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले मैं दिल्ली पुलिस के करंट अफेयर की बात करती हूँ। इट इज स्पेशली डेडिकेटेड फॉर द दिल्ली पुलिस, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस की सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहला एक टॉपिक लेती हूं। गाइस, आपने सुना होगा कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक 5T करके कोविड-19 में 5T करके एक योजना बनाई है, 5T, ठीक है, 5T। अब ये 5T है, ये 5T अलग अलग है, पर सबसे पहला क्वेश्चन है ये 5T है क्या। सबसे पहला टी से है टेस्टिंग, ठीक है, दूसरा टी से है ट्रेसिंग, तीसरा टी से है टीम वर्क, चौथा टी से है ट्रीटमेंट, ठीक है, और पांचवा टी से है पैकिंग, ठीक है। तो ये 5T है। मान लीजिए आपके दिल्ली पुलिस के पेपर में आया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 5T की जो योजना बनाई है उसमें से बताइए, मान लेते हैं 3T दे दी और चौथा टी मिसिंग है, तो पेपर में आ सकता है बताइए वो 4T कौन सा है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला है टेस्टिंग, दूसरा है ट्रेसिंग, तीसरा है टीम वर्क, चौथा है ट्रीटमेंट, पांचवा है ट्रैकिंग, ठीक है। अब सबसे पहले बात करें टेस्टिंग, तो गाइस यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी कंटेनमेंट जोन का एरिया है या जो ऐसा जोरिया है, ऐसा एरिया है जो कि मोस्ट प्रोन ऑफ कोविड-19 है, तो उस एरिया में अधिक से अधिक टेस्टिंग करवाई जाए। जैसे दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में दिलशाद गार्डन का एरिया हो गया, निजामुद्दीन का एरिया है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा एरिया जहां पर सबसे ज्यादा कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराई जाए। अप्रोक्सीमेटली 1 लाख टेस्टिंग, एक तरह से एग्रेसिवली टेस्टिंग होनी चाहिए, जिससे कि जो भी रियल केसेस है वो गवर्नमेंट के सामने आ सके। फिर उसके बाद दूसरा गवर्नमेंट कर रही है ट्रेसिंग के ऊपर, ठीक है। अब ट्रेसिंग का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो लोग कोविड-19 हैं और जो लोग नॉर्मल है, नॉर्मल लोग कोविड-19 के कॉन्टेक्ट्स में आए हैं, नॉर्मल लोग कोविड-19 के कॉन्टेक्ट्स में आए हैं, तो कितने लोग कोविड-19 के कॉन्टेक्ट्स में आए हैं, तो उन वो भी प्रोन है कोविड-19 होने के, तो सिंपल सी बात है ट्रैक करना। तो इसके लिए गाइस आपको पता है आरोग्य सेतु, ठीक है, इसके लिए आपको पता है आरोग्य सेतु बनाया गया। और आरोग्य सेतु के अंतर्गत क्या है कि अगर आप किसी भी कोई भी एक व्यक्ति है जिसको कोविड-19 नहीं है और दूसरा व्यक्ति इसको कोविड-19 है, अगर वो दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो आरोग्य सेतु में स्टेटस आ जाता है, जैसे लो रिस्क का, हाई रिस्क का, इस तरीके से स्टेटस आ जाता है, ठीक है। सो ट्रेसिंग का मतलब अब आपको समझ में आ गया, टू कॉन्टेक्ट विद द कोविड-19 पेशेंट, ओके, सो दैट इट कैन बी ट्रेस दैट हाउ मेनी पीपल केम इन द कॉन्टेक्ट। दूसरा है, अब जब कॉन्टेक्ट में आ गया तो
तो कंटेंट में कांटेक्ट में आने के बाद अब कंटेनमेंट जोन में रखा जाएगा कि भाई अब इसके अंदर वो लक्षण है कि नहीं है, कि भाई इसे कोरोना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और फिर उसके बाद दूसरा वर्क क्या आता है, टीम वर्क का आता है। अब ये टीम वर्क का मतलब क्या है भाई, सिंपल सी बात है, टीम वर्क का मतलब है एक पर्टिकुलर कोलैबोरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ स्ट्राटा। सेक्शन ऑफ स्ट्राटा का मतलब है कि गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन, एनजीओ का भी पार्टिसिपेशन, उसके साथ साथ पीपल पार्टिसिपेशन, वॉलेंटियर्स पार्टिसिपेशन, पुलिस का पार्टिसिपेशन, डॉक्टर्स का पार्टिसिपेशन। सो इट शुड बी द पार्टिसिपेशन ऑफ अ स्ट्राटा ऑफ सेक्शन। ओके, सो टीम वर्क इज ऑल्सो नेसेसरी टू कॉम्बैट फॉर द कोविड-19। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। एंड वंस इफ अ पर्सन इज फाइंड आउट लाइक दिस XYZ पर्सन इज अ कोविड-19 आफ्टर द क्वारंटाइन पीरियड, सो दैट पर्सन शुड बी गिवन अप द प्रॉपर ट्रीटमेंट। उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। और ट्रीटमेंट, अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई कोविड-19 का कोई ट्रीटमेंट तो आया नहीं है, ठीक है ना भाई, हर व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर अलग अलग है। सो व्हाट काइंड ऑफ अ इम्यूनिटी पावर ऑफ अ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए मोर प्रोन है, ठीक है, या बहुत ज्यादा है, तब तो भाई प्लाज्मा थेरेपी दी जाए, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए एंटीवायरल ड्रग से रोका जा सकता है तो वो भी सही है। अब प्लाज्मा थेरेपी की अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मा थेरेपी, गाइस ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, प्लाज्मा थेरेपी। अब प्लाज्मा थेरेपी का मतलब क्या है, मान लीजिए ये पर्सन जो है कोविड-19 है, ठीक है, ये कोविड-19 से सही हो गए। अब जो इनका ब्लड है, क्योंकि ब्लड में चार कंपोनेंट्स होते हैं, एक आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है और प्लाज्मा होता है, तो ये जो कोविड-19 का पेशेंट सही हुआ है, ये सही पेशेंट का प्लाज्मा डोनेट किया जाएगा उस व्यक्ति को जो कि कोविड-19 से सफरर है, ठीक है। और इस प्लाज्मा थेरेपी को सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरू किया गया। और महाराष्ट्र की बात करूं तो गाइस महाराष्ट्र में जब सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी यूज की गई थी तो उस टाइम पे एक पर्सन की डेथ भी हुई थी, परंतु इस प्लाज्मा थेरेपी से कई पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, इवन दिल्ली में और यूपी में और कई अदर ऐसी साइट्स हैं जहां पर पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, तो अल्टीमेटली इट इज गुड। तो गवर्नमेंट ने कुछ तो प्लाज्मा का थेरेपी का यूज किया है, ठीक है। हालांकि ये इट इज नॉट ए लाइक कि भाई यही एक रिजल्ट है कि भाई प्लाज्मा थेरेपी से सब सही हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। या फिर इसके अलावा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन जो आपको पता है अमेरिका ने मंगाई थी भारत से, ठीक है, या एंटीवायरल ड्रग हो गया, मलेरिया का ड्रग हो गया, तो उनका भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट व्यक्ति को दिया जाएगा। और दिल्ली गवर्नमेंट ने तो ये भी कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की बहुत सीरियस कंडीशन है और दिल्ली हॉस्पिटल में नहीं रखा जा रहा है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उसको किया जाता है, ऐसा गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, बनाई है, ठीक है। ट्रीटमेंट के बाद ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब है कि भाई अब जो पर्सन है ये पर्सन सही हो गया, ये पर्सन सही नहीं हुआ, क्या इसका प्रोनिंग है, या जो नॉर्मल पीपल हैं वो कितने हैं कोविड-19 के, कितने हैं, यू हैव टू ट्रैक। ओके, सो दीज आर द 5 डे विच इज इम्प्लीमेंटेड बाय द डेली गवर्नमेंट। तो भाई यहाँ से पेपर में क्वेश्चन एक आ सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा आपने सुना होगा धनवंतरी रथ। धनवंतरी रथ एक्चुअली हम लोग इसको बोल सकते हैं धनवंतरी रथ यात्रा टाइप, ठीक है, धनवंतरी रथ। एक्चुअली ये धनवंतरी रथ है क्या गाइस, कोविड-19 हुआ, कोविड-19 के टाइम पीरियड पर एक सिंपल सी बात है कि भाई कई लोग तो ऐसे होंगे जो लोग नहीं जा सकते हैं, तो ये दिल्ली पुलिस ने स्टार्ट किया। अब देखो ये दिल्ली पुलिस के पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। धन्वंतरी रथ के अंदर क्या है कि अगर कोई कोविड-19 का व्यक्ति है, पेशेंट है या क्वारंटाइन में है, वो व्यक्ति मेडिसन हो गया या स्टरलाइजेशन हो गया या सैनिटाइजेशन हो गया या फूड हो गया या कुछ भी XYZ, वो बाहर नहीं जा सकता है, ही हैव टू जस्ट इन्फॉर्म टू द नियरेस्ट एरिया। और उसके बाद जो दिल्ली पुलिस है वो उसके डोर तक पहुंचाएगी, मतलब इट्स अ धनवंतरी रथ। ओके, सो इट वॉज स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा। ओके, और दिल्ली पुलिस इसे इम्प्लीमेंट करेगी, सो ये भी आप अपने नोट में लिख लेना, ठीक है। इज इट ओके? सो
अभी आप लोग ये वीडियो देखते रहिए, कॉन्टिन्यूस लेवल पे एक वीडियो, दो तीन वीडियोस हैं जो आपकी करंट अफेयर की रेगुलर बेस पे आती रहेंगी। और ये सारे के सारे आप जो दिल्ली पुलिस का करंट अफेयर है, ये आप लोग एग्जाम होने से पहले एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।